हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं होममेड चकली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे बनाया है मेरी बहन, पापा और सिस्टर ने मिलकर। आपको पांच प्रकार के अनाजों की ज़रूरत पड़ती है, मूंग, चना, तुअर, चावल और गेहूं। इनको इक्वल रेशियो में लेकर इसको गूथना होता है। जो आटा है उसे सांचे में डालकर जलेबी के शेप में आपको चकली बनाना होता है, और ये चकली मेरे मम्मी पापा दोनों मिलकर बना रहे हैं। तो इसी तरह से आपको भी पहले से बना कर रख लेना है। इसके बाद इसे गरम तेल में तलने के लिए डालना है। अब जो चकलियाँ बन चुकी है उन्हें गर्म तेल में डालना है, और जो आपने आटा बनाया था, जो पांच अनाजों को मिक्स किया था, उसमें जो और इंग्रेडिएंट्स रहेंगे वो स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, मिर्ची, हींग, जीरा और मीठा सोडा, और इन सभी का पाउडर यूज़ होगा। और मोइन के लिए आपको 50 ग्राम आप तेल यूज़ करेंगे, और आटे को नरम गूंथना है। अब देखिए जो हमारी चकली है वो हल्का हल्का ब्राउनिश कलर ले चुकी है। बस थोड़ी ही देर में अब हम इसे निकाल लेंगे क्योंकि ये पूरी तरह से पक चुकी है। तो ये हमारी गर्मा गर्म और बहुत ही डिलीशियस चकली बनके रेडी हो चुकी है। आइए मैं भी खाती हूँ, आप भी खाइए।